रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन भार्गव वाटिका में किया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संचालक प्रोफेसर राम ख्यातार सिंह के द्वारा की गई। संचालन अनुराग शर्मा द्वारा किया गया। भगवान श्री राम और भारत माता चित्र के समक्ष दीप जलाकर बैठक की शुरुआत की गई। बजरंग दल के जिला संयोजक राम शर्मा ने बताया कि प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर धौलपुर नगर में सभी भक्तों द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसकी व्यवस्थाओं को लेकर हर वर्ष एक संयोजक समाज के द्वारा तय किया जाता है। इसको लेकर यह बैठक रखी गई, जिसमें राम ख्यातार द्वारा प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाजसेवी मुरारीलाल सिंगल का नाम सबसे सामने रखा। इसको सर्वसम्मति प्रदान की गई। साथ ही गिरीश गर्ग को समिति का संरक्षक और वीरेंद्र त्यागी को सह संयोजक एवं संजय पहलवान को सुरक्षा प्रमुख, राम शर्मा को सचिव की जिम्मेदारी दी गई। संयोजक बनने पर मुरारीलाल सिंगल द्वारा सभी को आश्वस्त किया गया कि यात्रा एक ऐतिहासिक और भव्य शोभा यात्रा होगी। सर्व समाज द्वारा राम जी के काज हेतु मुझे अवसर दिया, उसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। बैठक में चंद्र प्रताप सिंह धाकरे, विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा प्रमुख नरेश कुमार, जिला संयोजक दीपक पचौरी, जिला प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयश्रीराम, वंदे मातरम। आज रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में मुख्य हमारा उद्देश्य रहता है कि सभी समाज और वर्ग को एक साथ लेकर यह एक शोभा यात्रा राम जी के जन्मोत्सव पर धौलपुर शहर में निकाली जाती है। यहाँ पर सर्वसहमति से प्रसिद्ध उद्योगपति समाजसेवी मुरारीलाल सिंगल जी को आज संयोजक बनाया गया है और साथ में गिरीश गर्ग जी को संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। बाकी सभी जिन जिम्मेदारियां जो हैं वो आगे दे दी जाएंगी और जैसी भी होगी इसकी सूचना आपको अखबार के और आपके घर पर स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं के माध्यम से दी जाएगी। जय श्री राम, वंदे मातरम।